हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं राजमा। राजमा नॉर्थ इंडियन डिश है और इसको मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये जो छोटे मैंने छोटे वाले लिए हुए, बड़े मिलते हैं छोटे मिलते हैं, आप मैंने कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने छोटा वाला लिया है। इसको रात को आपको पानी में भिगोना पड़ेगा सुबह तक, ताकि वो उबलने के लिए ज़्यादा टाइम ना लें और उसका जो गैस है वो भी कंटेंट थोड़ा कम हो जाना चाहिए। इसमें हमें लगेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज का पेस्ट, ये मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। टमाटो प्यूरी, 3 टमाटर लिए हुए मैंने, क्योंकि इसके लिए टमाटो प्यूरी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। हींग लिया है, शाही जीरा है मेरे पास, और सीजन के लिए है सूखा मिर्ची, बड़ी इलायची काली वाली, हरी मिर्ची। तो हम लोग इसमें बनाएंगे घी के साथ, नॉर्थ में जो बनता है वो घी से बनता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। आपके ऊपर है, आप घी यूज़ करो, ऑयल यूज़ करो, आपके ऊपर। मेरा राजमा तैयार है। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा शाही जीरा। शाही जीरा से स्मेल और उसका टेस्ट में ही फर्क आता है। फिर डालेंगे हम थोड़ी सी सूखी मिर्ची, और ये देखिए काला वाला जो हमारा, इसको यूजली काट के डालते हैं, इसको आप तोड़ के डाल दीजिए। ये इलायची है, बड़ी वाली इलायची, देखिए ये मैंने तोड़ के डाल दी। अब मैं डालूंगी इसमें 2 हरी मिर्ची, देखिए कट करके मैं डालूंगी। अभी इसको अच्छे से हम थोड़ा पकने देंगे। देखिए पकना शुरू हो गया है अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी जो हमने प्याज करके रखा हुआ है, आप कद्दूकस कर सकते हो, या फिर मिक्सी में पीस सकते हो, या फिर जिंजर गार्लिक कूट के भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, जिंजर गार्लिक और प्याज का एक साथ पेस्ट बना दिया। अभी क्या करना है हमको, ये जो पेस्ट है इसको अच्छे से हमें पकाना है। पकाना इन द सेंस इसको अच्छे से ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, ये जो राजमा प्याज का कलर जो है अच्छा कलर पकड़ना चाहिए, अच्छा ब्राउन प्याज हो जाना चाहिए। तो हम इसको अच्छे से ब्राउन करते हैं, थोड़ा टाइम आपको थोड़ा ध्यान से हिला हिला के थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अच्छा ब्राउन होना है। आप देख सकते हो कि राजमा के लिए प्याज जो देखो इतना अच्छे से ब्लैक हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। आप ये भी देख सकते हो कि मैं अभी जैसे ये हो जाएगा, हम लोग अभी इसमें जो पीसा हुआ टमाटर है वो डालेंगे। मैंने टमाटर पीसा हुआ इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है। देखिए अभी ये टमाटर इसमें अच्छे से हमको उबाल, अब तक आप देख सकते हैं मेरे राजमा कितने अच्छे से, ये देखिए राजमा पक गया। इसमें मैंने नमक और हींग डाला हुआ है, हींग डाल के मैंने इसको बॉईल किया। तो क्या होता है, हींग हम इसलिए डालते हैं ताकि वो गैस का इफेक्ट कम हो जाए हमारे। मैं क्या करती हूँ, जब पकाते हैं बॉईल करते हैं तभी भी डाल देती हूँ, आप चाहे तो जब तड़का देते हैं तभी डाल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखो जब तक ये पकेगा तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मसाले कौन कौन से लेंगे। इसमें हमें चाहिए होगा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। जब ये मसाला पक जाएगा तब हमको ये सारे मसाले इसमें डालने, और नमक आप फिर टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने बॉईल किया, बॉईल कर रहे थे तभी हमने उसमें नमक डाला। अब इसको अच्छे से हम पकने देंगे। अभी आप देख सकते हैं मसाला लगभग करीबन पूरा पक चुका है, अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, उसमें थोड़ा सा मेरा मिक्सी में मसाला था तो मैं थोड़ा सा उसमें पानी मिला देती हूँ, क्योंकि हमको थोड़ा सेमी ग्रेवी टाइप चाहिए। आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, या फिर आप चपाती के साथ खा सकते हैं, फुलके के साथ, बहुत टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है खाने के लिए। ज़्यादातर लोग उसको राइस और रायते के साथ खाना पसंद करते हैं। ये देखिए इतना अच्छे से पक गया है। देखिए
मसाला इसमें अच्छे से पकड़ चुका है और ये अभी एक उबाल आएगा तो मैं इसमें जो हमारे उबले हुए राजमा है वो हम ये देखिए ये वाला उबला हुआ राजमा हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए आपका मसाला अच्छे से हमारा मसाला पकड़ के अच्छे से उबल भी रहा है और अच्छी खुशबू भी आ रही है क्योंकि हमने इसको घी में बनाया हुआ है। आप तेल में बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसका असली स्वाद तो घी में ही आता है। अभी आप देखिए मैं ये राजमा जो उबले हुए हैं वो इसमें डालूँ। राजमा हमारे अच्छे से पक चुके हैं। मैंने इसको एक सीटी के बाद 15 मिनट मैंने इसको उबाला है अच्छे से ताकि वो राजमा अच्छे से पक जाए। अब इसको एक अच्छे से उबाल लाना है, तब तक मैं थोड़ा सॉल्ट टेस्ट करूँ। नमक थोड़ा सा कम है, मैं उसमें नमक थोड़ा ऐड कर दूँ। अभी इसको हमको एक उबाल लाना है बस। इसमें थोड़ा सा नमक कम है तो मैं थोड़ा नमक ऐड करने वाली हूँ। कुछ लोग इसमें बाद में थोड़ा सा मलाई डाल देते हैं, धनिया पत्ता से उसको सर्विंग के टाइम डाल देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मलाई डालना है आप मलाई डालिए, मैंने घी में बनाया तो मैं उसमें नहीं डालूँगी, लेकिन मलाई डालने से भी उसका एक अच्छा टेस्ट हो जाता है। ये देखिए अच्छे से उबल रहा है, ये नमक भी अच्छे से एक उबाल आएगा तो उसका नमक भी इसमें अच्छे से पकड़ लेगा। ये देखिए उबाल आ रहा है, अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से धनिया पत्ता डालूंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं चावल के साथ इसको देने वाली हूँ अपने घर में। सबको बहुत पसंद आता है राजमा चावल, तो आप भी बनाइए और फिर मुझे बताइए कि क्या कैसे बना और घर में सबने क्या बोला। थैंक यू।